हेलो फ्रेंड्स, सिटी होम ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा जो मिक्स सब्जी मसाला है वो ख़त्म हो गया कई दिनों से। ऐसे तो मैं बना लेती लेकिन क्योंकि वीडियो बनाना था तो इसलिए कई दिन लेट हो गया है गाइस। तो चलिए अभी बनाएंगे मिक्स सब्जी मसाला। ये है धनिया, एकदम पूरे बारिश के ही मौसम में ख़त्म हुआ है मसाला, तो मैं इस तरह से साफ करके इसको बना लूँगी। अभी ये बिल्कुल लो फ्लेम पे है। यह है जीरा, और थोड़ा सा जीरा लगेगा भाई। बनाते बनाते जो है अंदाजा मिल जाएगा। यह है मरीच, काली मिर्च, यह है सौंफ, यह है अजवाइन, यह है मेथी दाना, यह है गरम मसाला गाइस। और मैं अदरक का तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार पैकेट वाला गरम मसाला ख़रीदने पे ये अदरक आया था, तो ये अच्छा है। इसको क्या ही करना है, तो मैं मसाला में डाल दूँगी। वैसे मैं अदरक का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और ये मसाला एकदम आराम से लो फ्लेम पे ही इसको भूनिए। ये है थोड़ा सा गरम मसाला। ये मैं तेज पत्ता जब लाती हूँ मार्केट से तो इसको साफ करके रखती हूँ, सारा गंदा वाला हटा के पैकेट से निकाल के सारा चुन के। यह है तेज पत्ता और यह है सूखी लाल मिर्ची।
तरह से घर में मसाला पाउडर बनाइए, कोई भी भुजिया बनाइए, कोई भी सब्जी बनाइए तो थोड़ा सा डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। ज़्यादातर तो ये मसाला भुजिया में ही काम आता है, और थोड़ा सा डाल दीजिए, काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है खाना का। ये है एक पूरा जायफल, इसको तोड़ के डाल दीजिए। लास्ट में डालिए हींग। हींग को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि वो हींग को डालने के बाद वो नीचे चला जाता है, तो इसलिए हींग को सबसे लास्ट में डालिए, थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा वो। ये बहुत अच्छे से मसाला रोस्ट हो गया है गाइस, और इस मसाला को पीस लीजिए ठंडा करके, पूरा ठंडा करके। अगर धूप में रखना है तो इसको धूप में भी रख दीजिए कुछ देर के लिए, और नहीं तो इसको पूरा एकदम बिल्कुल ठंडा होने दीजिए, और उसके बाद इसको पीस लीजिए। और इस एकदम शुद्ध बढ़िया अच्छा घर का बना हुआ ये मिक्स सब्जी मसाला, किसी भी सब्जी में, किसी भी भुजिया में, मैं तो ज़्यादातर इसको भुजिया में ही इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा दे देने से आधा चम्मच टेस्ट बढ़ जाता है खाना का। और इसी बर्तन में इसको छोड़ देंगे, इसी में इसको ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा कर देंगे, उसके बाद तब पीस लेंगे। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, फ्लेम को ऑफ कर लीजिए।
ये मेरा सुपर टेस्टी मिक्स सब्जी मसाला बनके तैयार है गाइस। आप इसको चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन बिना छाने भी ये ठीक रहता है। ये इस तरह से इसको जार में भर के रख दीजिए और ये बहुत दिनों तक चलेगा मेरा इतना सा मसाला। और जब आप इसको बनाएंगे पीसेंगे पूरा किचन आपका इसका बहुत सुंदर से गमगमाएगा। बहुत ही अच्छा मसाला ये बनके तैयार है गाइस।